जब ये पूरा रिनोवेट हो रहा है, नए ढंग से बन रहा है, तुम देख रही हो गंगा पाथवे जुट रहा है। कल एसीएस महोदय आए थे अपने इंस्पेक्शन किए, 3 घंटा हम लोग को दौड़ाते रह गए साथ ही, है ना। तो जब विकास का काम हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा बॉस। अब नहीं, असल में हम लोग ने पूरा प्रयास किया कि पटना में कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर 200 हमारी छात्राएं रह सकें, जिनका मेस का व्यवस्था हो सके वहीं पर, जहाँ पर उनका पठन पाठन हो सके, मगर कोई भी ऐसा बिल्डिंग हम लोग को पटना में उपलब्ध नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आप लगातार देख ही रहे हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर जेएनएम की छात्राएं किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, और उन्होंने आज के बारे में भी ये भी कहा था कि अब भूख हड़ताल पे भी उतरेंगे। उन लोगों का कहना था कि हमें हॉस्टल से हटाया गया, किस तरह से वहाँ में सामान फेंका गया, और बहुत कुछ उन्होंने बताई कि किस तरह से वहाँ पर नई बिल्डिंग बनने वाली है और उसकी वजह से हमें यहाँ से राजा पाकर भेजा जा रहा है। अब मैं उस जगह पे ही आ गई हूँ जहाँ पर उन लोगों का जो हॉस्टल था, और किस लिए वहाँ इन्हें यहाँ से हटाया गया। आप देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और लगातार यहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई है और मिट्टी निकाल कर ये कर रही है, और मतलब एक विकास का काम चल रहा है पीएमसीएच में। जब इस बात पर हमने जब पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने जो बताया, आप सुनिए। देखो, और भी लोग हैं, देखो ये पहले समझ लो, ये मामला अधीक्षक से संबंधित है, चूँकि जीएनएम वगैरह का अधीक्षक महोदय वो देखते हैं, है ना। और मेरा जैसे कि ये लोग का पठन पाठन कॉलेज पीजी अंडर ग्रेजुएट मैंने पठन पाठन से संबंध है, ठीक है। मगर जो वस्तु स्थिति ये है बाबू, कि जब ये पूरा रिनोवेट हो रहा है, नए ढंग से बन रहा है, तुम देख रही हो गंगा पाथवे जुट रहा है। कल एसीएस महोदय आए थे अपने इंस्पेक्शन किए, 3 घंटा हम लोग को दौड़ाते रह गए साथ ही, है ना। तो जब विकास का काम हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा बॉस। अब नहीं, असल में हम लोग ने पूरा प्रयास किया कि पटना में कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर 200 हमारी छात्राएं रह सकें, जिनका मेस का व्यवस्था हो सके वहीं पर, जहाँ पर उनका पठन पाठन हो सके, मगर कोई भी ऐसा बिल्डिंग हम लोग को पटना में उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या कि सरकार का यदि बिल्डिंग लेगी तो उसका जीएसटी नंबर खोजेगी, उसका प्रॉपर कागज खोजेगी, तभी वो उसको अधिकरण माने ले सकती है भाड़े पर, बात समझ रही है ना। ऐसे तो बहुत मिला हम लोग को, मगर जो प्रॉपर कागज नहीं रहेगा तो सरकार पेमेंट नहीं कर सकती है। इसीलिए वहाँ सरकार का बना हुआ है, चूँकि आप जान रहे हैं कि पीएससी वगैरह में अब डेवलप करके बहुत सा जीएनएम स्कूल वगैरह खोलने की बात है, तो उसी के सिलसिले में वहाँ नया बना था और उसकी क्षमता थी, नया एकदम नया बिल्डिंग है बाबू। ये है कि राजा पाकर है, थोड़ा दूरी है, मगर ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम मैंने बहुत दूर भेज दिए हैं, बात समझे कि नहीं। क्या होगा, क्या करेंगे पीएमसीएच, प्रशासन क्या करेगी, मैंने क्या करेगी, तो प्रशासन ही तो सरकार का मामला है, प्रशासन का कहाँ इसमें रोल आता है, प्रशासन क्या कर सकता है। तो पीएमसीएच को ही आरोप लगा रही है। नहीं नहीं, पीए उसका तो कहना माने आरोप लगाना उसको तो पीएमसीएच से जुड़ी हुई है, और हम लोग तो सरकार के अधीन है ना बाबू, हम लोग का तो माने ये है। अब संजोग देखो, मैं पीएमसीएच का दरबान हूँ, दरबान कहने का मतलब मेरा गेटे पर क्वार्टर है, हमको भी दो बार प्रेम पत्र मिल गया है ना कि आप खाली कीजिए, मैं भी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं वहाँ चूँकि सहयोग का तो करना है ना बाबू, है ना, सहयोग तो करना होगा, ऐसा थोड़े कि उन लोग को हटा दिया। इसके पहले उन लोग का हुआ था कि सब मेडिकल कॉलेज में कुछ कुछ करके बांट करके काम चला लिया जाए, तो वो मेटेलाइज नहीं हो पाया, तब एक जगह कुछ दिन का 2-3 साल का कष्ट है बाबू, तो उतना कोई अच्छा पाने के लिए उतना तो हम लोग कष्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। आपने भी सुना कि किस तरह से विकास के काम प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी यही कहा है, वही समझा है वो, कि अभी विकास का काम जब चलता है तो कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, लेकिन उसमें जब विकास का कोई भी कार्य करता है तो उसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी हाल फिलहाल में 2 बार मुझे भी अपने जो आवास उन्हें मिला हुआ है वहाँ से, वो भी जो जगह जो जा रहा है
उसकी वजह से निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग भी अगर विकास की अगर जहाँ पर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा और मुझे भी उस जगह से निकलना पड़ेगा। और सरकार की बात जब आ रही है तो उन्होंने कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस बात का फैसला सरकार करेगी ना कि पीएमसीएच, क्योंकि लगातार जेएनएम की छात्राएं पीएमसीएच के गेट पे जो धरना देती हैं, जो बाहर जाकर कहती हैं, और वो लगातार यही कह रही हैं कि पीएमसीएच से हमें ये किया जा रहा है। लेकिन पीएमसीएच के प्रिंसिपल से आपने सुना ही कि उन्होंने कहा है कि ये इसमें सरकार की भागीदारी है, सरकार अगर चाहेगी तभी ये सारा कुछ होता है, और इसी के लिए राजा पाकर उन्हें भेजा जा रहा है। उन्हें पटना में इस तरह के कोई प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, कोई जगह नहीं मिल रहे हैं, और इसलिए राजा पाकर भेजा जा रहा है। हालांकि लड़कियों को कुछ समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी विकास का कार्य हो रहा है, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि हमारा वो सपोर्ट करे, सरकार का सपोर्ट करे। तो आपने देखा कि क्या समस्या थी, किस तरह से यहाँ पे काम चल रहे हैं। मैं उस जगह पर ही आपको आकर सीधे आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ। आप जानते ही हैं कि पीएमसीएच आने में जो सड़क से हमें आना पड़ता है, उधर का रास्ता कितना भीड़ भाड़ वाला जो वो जगह होता है, और पेशेंट को आने में काफ़ी समस्या होती है। और इसी के लिए सरकार जो अलग से जो रास्ता अपनाई है, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो नए रास्ते में यहाँ पर मिलाया जा रहा है, ताकि पेशेंट हो या कोई भी हो तो यहाँ पर से उन्हें आने जाने की सुविधा उन्हें मिल सके और कठिनाइयों का सामना उन्हें ना करना पड़े। चलिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ, और भी जो भी जानकारियाँ हैं हम लोग आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी जो सही जानकारी है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।